हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, जरा सी भी लाइन तिरछी नहीं होगी, जैसा कि आपको यहां सामने स्क्रीन पे दिख भी रही है। ठीक है, अब एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पर। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे और इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से लाइन वाले सेगमेंट में हम पहला वाला ऑप्शन यानी कि लाइन जो है वो सीधी लाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये प्लस साइन बनकर के आ गया है। अभी ये थोड़ा सा आपको पतला दिख रहा है क्योंकि लाइन एकदम पतली खींचेगी, तो उसके बाद हम इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेंगे। तो फिलहाल एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ध्यान रखना है अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा करके रखिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए एकदम सीधी लाइन, ये एकदम यहाँ पे देखिए ड्रॉ हो रही है, जरा सी भी तिरछी नहीं है। उसके बाद छोड़ दीजिए। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ हम बढ़ा लेते हैं। तो ये लाइन देखिए दोनों तरफ से सेलेक्ट है, ठीक है, इसको सेलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर सिलेक्शन हट गया हो तो दोबारा से क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद एक नया टैब आपको ऊपर मिलेगा शेप फॉर्मेट का। ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आपकी लाइन जो है वो सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ से शेप आउटलाइन पर जाइए और यहाँ से जो इसकी विड्थ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप कर्सर ले जाएंगे तो राइट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो विड्थ आप चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 PT हम ले लेते हैं और ये देखिए इसकी जो विड्थ है एकदम बढ़ गई और एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई।